हिम्मत कैसे हुई उनकी ये बात करने की? दो कौड़ी की औकात नहीं उनकी बेटे की और चलाया मुझसे शादी करने। बेटा तुम्हें इतना लाउड होने की क्या जरूरत थी? हम थे ना वहां मना करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने ईमान के रिश्ते से मना किया था, उसको भी आप उसी कचरे से उठा के लेकर आई है ना। लेकिन अब इसकी भी शादी हो गई है और वो लोग आपके रिश्तेदार बन गए। भला मुझे आपको वहां भेजने में क्या प्रॉब्लम होगी बताएं आप? मुझे बहुत अफसोस है, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें दुनियावी सारी सहूलियात मुहैया की, लेकिन शायद तुम्हारी तरबियत में कोताही हो गई मुझसे। महा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अगर इसकी जगह कोई भी लड़की होती वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती, और फिर इनकार करना तो महा का हक है। हक और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात की जाती है? भाई अगर वो रिश्ता लेकर आ गए तो कौन सी कयामत आ गई? इनकार करने के बहुत से तरीके हैं, थोड़े दिन बाद माजरत कर लेते उनसे तो और क्या, हर वक्त हथेली पर सरसों तो नहीं जमाई जाती। बेटा कुछ तो ख्याल किया होता रिश्ते का। ये सब गलती ईमान की है, ये इस घर का फर्द है, इसे हमसे डिस्कस करना चाहिए था ना। वो लोग रिश्ता लेकर आते ना हमारे यहाँ ये बात होती। और वैसे भी उस लड़के का क्या स्टेटस है, क्या कहले पर है? हम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों आंखें बंद करके तो नहीं कर सकते थे? अभी हम दानियाल के फाइनेंशियल स्टेटस को इतना टारगेट क्यों कर रही हैं? उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो शरीफ है, बाकिरदार है, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, वाओ। आई मीन ये सब क्वालिटीज तो उसके अंदर बिल्कुल है, लेकिन आप एक खास बात भूल रहे हैं कि वो आपकी बीवी का भाई भी है। मेरा दोस्त है वो। छोड़, सब जानती हूँ मैं। इस घर में किसी को भी मेरी केयर नहीं है, सबको बस ये पता है कि ईमान को तकलीफ ना पहुंचे। बेटा हमें तुम्हारी खुशी अजीज है, और जो तुम फैसला करोगी हम वो ही करेंगे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था मेरा बच्चा। दादू आप ही अम्मा, इसको इसके हाल पे छोड़ दे। कम से कम मैं अपनी औलाद से ये बदतमीजी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही ऐसे रवैये को जस्टिफाई करूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।